नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस महा दक्षेश्वर मंदिर के साथ जो कि कनखल में स्थित है। और ये है आपके सामने भगवान शिव की मूर्ति जो कि उमा को उठाए हुए हैं। और ये भगवान शिव की ससुराल भी है और यहीं पे जो उमा है वो सती योगी थी, हवन कुंड में आहुति दे दी थी उन्होंने अपनी। और बस और ज़्यादा जानकारी आप YouTube पे सर्च कर लेना, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो। और काफ़ी अच्छा मंदिर है दोस्तों, ये हरिद्वार से कम 4 किलोमीटर दूर होगा और 13वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है ये। काफ़ी पुरानिक मंदिर है और विष्णु जी के पैरों के चिन्ह भी हैं शायद एक शिला पे यहाँ पे। तो काफ़ी प्राचीन कथाओं से भी जुड़ा हुआ है ये, कई देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। और ये शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे, प्राचीन मंदिर है और आज शनिवार है तो लोगों का थोड़ा सा शनिवार के दिन जो भी उन्हें करना होता है पूजा पाठ वगैरह वो कर रहे हैं लोग। और ये देखिए दोस्तों मंदिर का परिसर, हल्की हल्की सी ओवरव्यू करा देती हूँ मैं आपको, लेकिन जब यहाँ आए तो अपना अंदर अच्छे से जाना क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी बना भी थी और बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अंदर दोस्तों डिटेल में काफ़ी अच्छे से लिखा भी हुआ है और बिल्कुल यहाँ आसपास ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको मतलब लोगों से जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि यहाँ भगवान शिव की ससुराल ठहरी थी, यहाँ उनका तिलक हुआ था, शादी का टिक्का कहते हैं जिसको। और यहाँ जो राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था और भगवान शिव को इतने मान सम्मान से नहीं बुलाया था तो उमा को बुरा लगा और यहीं पे उन्होंने हवन कुंड में कूद के सती बन गई थी। वो सती का नाम इसी नाम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ इसका एंट्रेंस है, फिर बाद में पार्वती जी का रूप लेके हिमालय के घर उन्होंने जन्म लिया और दोबारा उनकी पत्नी बनी। तो इतनी गोरी थी, एक तो हिमालय के घर जन्म लेना पहाड़ों के राजा के घर, और गोर वर्ण था उनका काफ़ी, इसलिए उनका नाम गोरी भी पड़ा। और पास में दोस्तों बिल्कुल इस मंदिर के थोड़ी दूरी पे ही ये सूरतगिरी बंगला आश्रम टाइप सा ही है और यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। मतलब जो लोग पेड़ पौधों के शौकीन हैं, नेचर के शौकीन हैं तो बिल्कुल वहाँ यहाँ पे आएँ। और यहाँ आम ऐसी चीज़ें उगी हुई हैं जो कि हम अपने घरों में उगाते हैं और बिल्कुल ऐसी उगी हुई हैं, ना कोई इनकी इतनी खास केयर होती, लेकिन फिर भी ये देखो सारे कितने अच्छे से चल रहे हैं जो हमें गमलों में घर में चलाने मुश्किल हो रही हैं। और काफ़ी हरा भरा वातावरण है यहाँ का, तो बिल्कुल नेचर के तो हम शौकीन हैं ही। और ये देखिए आम के पेड़ यहाँ खूब सारे लगे हुए हैं, आम के, कटहल के, लीची के दोस्तों, बब्बू गोशे के, और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के ट्रीज है पुराने पुराने से। और साथ में गंगा जी का ठंडा ठंडा बहता हुआ पानी, ये देखिए दोस्तों कटहल दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखो पास करके दिखाती हूँ, देखो ऐसे लगते हैं कटहल पेड़ पे, अच्छे लग रहे हैं ना देख के, है ना। तो अगर ये चीज़ें नेचुरल वे में देखें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसी जगहों पे जहाँ जाएं और नेचुरली देखने को मिले लगे हुए। और यहाँ दोस्तों वही सब्जियाँ बनाते हैं लोग जो इनके अपने गार्डन में होती हैं, और कटहल की सब्जियाँ बहुत बनाते हैं क्योंकि यहाँ कटहल के बहुत सारे पेड़ हैं। और भी दिखाती हूँ आपको, नीचे तो कैन भरे हुए पेड़ हैं और इतने सारे कटहल लगे हुए हैं यहाँ पे, आम लगे हुए नीचे टूट टूट के गिरे हुए हैं, ये देखो कितने सारे कटहल के पेड़ हैं, है ना, ये देखो बहुत सारे लगे हुए हैं, देखो बड़े बड़े सारे कटहल। और ये गंगा जी साथ में बह रही है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब देख के। कनखल में थोड़ा सा और भी तेज बहाव है गंगा का, और ग्रीनरी भी देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा है। और देखने लायक यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आओगे तो बड़ा शांत सा वातावरण है यहाँ का, कोई इतना ना जैसे हरिद्वार में थोड़ा सा रश है और क्राउड है ना, वो यहाँ पे नहीं है इतना।
ये देखिए गंगा जी बहती हुई, तो जिसने नहाना हो यहां भी नहा लो बेशक। यहां का भी अलग ही महत्व बताते हैं दोस्तों स्नान का। हरकी पौड़ी का तो मैंने आपको दिखाया था और कनखल का भी काफी विशेष महत्व बताते हैं, तो काफी पुराणिक देवी देवता जो है हमारे वो इस स्थान से जुड़े हुए हैं, उनकी कथाएं जुड़ी हुई हैं। और अगर नेचर की दृष्टि से देखो तो भी कितना सुंदर आपको व्यू दिख रहा होगा, है ना, हरा भरा और नदी बहती हुई और आसपास में कितने घने घने बड़े बड़े वृक्ष हैं। ये मैं सूरतगिरी बंगले के पीछे वाला एरिया दिखा रही हूँ दोस्तों, वहीं से ये नदी बह रही है। और जहाँ कनखल का वो दक्ष मंदिर दिखाया था मैंने, दक्षेश्वर जी का, वहाँ से भी पीछे से नदी बह रही थी। और ये देखो बाम्बू ट्रीज हैं, बनाना के हैं, सारे हरे भरे पेड़ पौधे। तो जो इतना ठंडक वाला पानी बहता हो दोस्तों, इतनी भारी नदी बहती हो, वहाँ तो ग्रीनरी होना बिल्कुल आम बात है। और ये देखिए और भी दिखाती हूँ आपको, कटहल के पेड़ ये देखो पास से दिखाती हूँ एकदम, है ना, देखो कितने सारे लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े। तो ऐसा होता है कटहल का पेड़। मैं तो यहाँ पहले वैसे काफी बार आई हुई हूँ, और लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो कई बार तो मैं लेके भी जाती थी यहाँ से कटहल। एक ऋषिकेश है आश्रम में जाते थे, वहां पे बहुत सारे कटहल के पेड़ थे दोस्तों, वहां से मैं कटहल लेके आती थी। और बिल्कुल पेड़ से तोड़ के लाओ ना कोई चीज तो उसका अलग ही वो है ना। तो ये देखो इन्होंने अपना ऑर्गेनिक सा एक गार्डन भी बना रखा है, सारी चीजें अपने ही उगाते हैं ये। और ये देखो एक नीचे लटका हुआ है ना, मेरे बिल्कुल बिल्कुल बेस में लटका हुआ है एक कटहल, ये इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं जिसको। तो ये लो जी, जो भी मैं देख रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मेरे भाई बहनों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा, जिनको कि ये गार्डनिंग की वीडियोस भी पसंद हैं। और एक नई चीज़ के भी दर्शन करा दिए मैंने आपको, है ना, अगर घूमने का इधर का प्रोग्राम बने तो थोड़ा सा माइंड में रहता ही है कि चलो ये भी देख लेते हैं अगर गए हुए हैं तो यहाँ। और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं दोस्तों कटहल के, देखो कितने बड़े बड़े। और इधर से थोड़ी धूप आ रही है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये देखो देखो ध्यान से देखो, देखो लगे हुए हैं ना, और देखो देखो गुच्छे में लगे हुए हैं। अब ध्यान से देखना इसको, यहाँ सूरज पड़ रहा है ना, एकदम ध्यान से देखना, और गुच्छे से में लगे हुए हैं, बीचों बीच जगह जगह लगे हुए हैं, ये देखो। तो बस दिखाई ना एक नई चीज, ऐसा होता है दोस्तों कटहल का पेड़, ऐसे लगते हैं कटहल। और देखती हूँ और दिखाती हूँ और क्या दिखाऊं आपको, ये देखो बब्बू गोशे का पेड़ है, बब्बू गोशे दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, छोटे छोटे बब्बू गोशे लगे हुए हैं, देखो और दिखाती हूँ, देखो ये लगे हुए हैं ना, ये देखो छोटे छोटे लग रहे हैं, तोड़ भी लेते होंगे ये, जो दिख रहे हैं मुझे मैं वही दिखा रही हूँ। और ये आम लगे हुए हैं और ऐसे नीचे गिरे हुए हैं दोस्तों, यहाँ कोई उठा भी नहीं रहा, इतना सुंदर है ये सूरतगिरी बंगला बोलते हैं जिसको, मतलब नेचुरल, जिस चीज को चीजें पसंद है ना, बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है भगवान जी ने। बहता हुआ नदी का जल है ना, पास पास बड़े बड़े वृक्ष है ना, हरा भरा वातावरण। तो लो जी ये है हमारा कनखल, यहाँ बहती हुई गंगा जी। तो बस मैं भी अब विदा लेती हूँ यहाँ से, धूप तेज होने लगी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें और बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।